हेडिंग देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है, दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद एक और जहां बीजेपी अभी मुख्यमंत्री पद पर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर आगामी विपक्षी इंडिया बैठक के संदर्भ में आपसी कलेश के बढ़ने की खबर आ रही है। वो दरअसल कांग्रेस की विपक्ष में बढ़ती ताकत के रूप में दूसरे दल पचा नहीं पा रहे हैं और सारा कलेश केवल और केवल कांग्रेस द्वारा दूसरे पूरे विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करना दिख रहा है। इसलिए आज के समाचार पत्रों ने ममता और अखिलेश के बाद नीतीश कुमार सहित तमाम साथी नेताओं की बैठक में आने में असमर्थता और बैठक टलना इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन अब खटाई में पड़ चुका है। दूसरी ओर शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक देश दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे नारे को लेकर गृहमंत्री ने विपक्ष को करारा जवाब देने की खबर को लगभग सभी ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। वहीं डीएमके सांसद द्वारा उत्तर दक्षिण राजनीति पर तंज कसने से विवाद बढ़ने की खबर आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ छपी है। वहीं ज्ञानव्यापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान आज के समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। इधर इन सबके बीच खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों के बीच भारत विरोधी आतंकियों की मौत की खबरों से भी आज के समाचार पत्र पटे हुए हैं। कुल मिलाकर देश के बाहर और देश के अंदर भारत सरकार की मजबूत होती साख आज का समाचार सार है।